क्या सूरज, गुड मॉर्निंग सूरज। तो सुबह सुबह पता नहीं कहाँ जाने के लिए तैयार हो गया है। आ जा, ये रहता है सत्या। सूरज के लिए हम लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रहे हैं। हम तो जाएंगे जो ना हाँ। सारा क्या बनो इंद्रा मार्केट हाँ। हम बहुत ताक बोलियो उतिया जगह पापा तो वो जूता ढूंढने गए क्या कि तू भी ढो क्या कर जो कुछ पसंद कर लो ना। मैं अब दबड़े दबड़े लास्ट में आती है दबड़े। देखो मेरे मेरे बगैर ये कोई काम ही नहीं करता है। ये बिगड़ते ही कुछ काम कर दे नहीं संजय मन का ऐ तो खुश बड़ी है मन का कति पैसा जोने वाली है। तो मैं और सूरज जा रहे हैं मार्केट। क्या बोली? चलिए फिर हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज है 25 तारीख और आप सभी की दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी। जिन भी लोगों ने हमको दिवाली की शुभकामनाएं दी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देहरादून में हमारी पहली दिवाली थी और यहाँ पे मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मतलब अंधाधुन लोगों ने पटाखे फोड़े, कान बिल्कुल सुन हो गए थे। तो फिलहाल मैं और सूरज थोड़ा सा सूरज के लिए कुछ लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट। देख रहे इसके लक्षण क्या? हाँ तो हमारा दिवाली का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे। मतलब हमें गांव की आदत पड़ी हुई थी कि बहुत सीमित चीज़ें होती थी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ कि हमारे कान बिल्कुल सुन हो गए थे सुन रात 1-2 बजे तक और अंधाधुंध पटाखे फोड़े। हम लोग हैं अभी परेड ग्राउंड में और यहाँ पे फॉर्मल शूज और स्पोर्ट्स शूज की काफी सारी चॉइस है। सूरज के लिए हमको वही लेना था। दिखा जा इसके अंदर ये शर्ट है। तो फिलहाल हम लोग पी रहे हैं जूस। इट्स टाइम फॉर जूस। तो सूरज के लिए हमने ये वाले शूज़ सेलेक्ट किए हैं, उसको ये कलर पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा ऊपर भी हैं बहुत सारे वैसे, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। देखो अच्छे हैं जॉर्डन में, ठीक है अच्छे कलर। तो फाइनली सब जगह से घूमने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे गिफ्ट पैक कराने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे बुके हैं। मुझे एक बार किसी ने बहुत पहले दिया था, तो मतलब किसी सब्सक्राइबर ने भेजा था। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की वैरायटी रखी हुई है। वहाँ पे भैया के पीछे बहुत प्यारे प्यारे रखे हुए हैं और प्लास्टिक में डेकोरेशन का बहुत सारा सामान यहाँ पर है। हम आ गए, यहाँ खाना खाया जा रहा है, यहाँ फोन छेड़ा जा रहा है। कहाँ खाट है भाई? अरे जल्दी जल्दी खा, घर अंदर का होगा। ओए होए। तो फिर बज चुके हैं शाम के 5 और अभी तक हल्की धूप है बाहर और हम लोग तैयार हो रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि हम लोग बर्थडे में जाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने कपड़े निकाले हैं। मम्मी तो तैयार हो गई है और अंजलि यहाँ पे फोन छेड़ रही है। मैंने 2 जोड़ी फ्रॉक निकाली है अपनी, सेम है, बिल्कुल 19-20 का अंतर होगा। तो अंजलि ने बोला कि कौन सी पहनूं मैं, ये वाली है ना, वो अच्छी है ना। और मम्मी साड़ी पहन रही है। अंजलि मम्मी की हेल्प कर दो जल्दी से, मैं तब तक ऐड करती हूँ अपने उसका। तो इस घर में ना बिल्कुल ही कैंटीन से सामान आता है, तो कैंटीन में कोई भी फाउंडेशन टाइप की क्रीम नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ढंग की क्रीम नहीं है सारी। अभी मैंने कहा यार आज तो पार्टी में जा रही हूँ, आज तो तैयार होकर जाऊंगी, कोई भी क्रीम ही नहीं मिल रही, सब कोल्ड क्रीम है। ये मैं ऐड करती हूँ इसका, ठीक है। हिमालय एंटी रिंकल क्रीम आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाए और आपको खूबसूरत आपके लंबे सॉरी क्या होता है वो आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाए और आपको लाए कॉन्फिडेंस। तो मैं तो हो रही हूँ तैयार। यार ये अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं मम्मी तो तैयार हो रही है और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं कौन सी इयररिंग्स पहनूं। ये तो बहुत बड़ी हो रही है, कोई छोटे हो रहे हैं, ये टूट भी गया यार। शिट ये किस चीज़ का है, डिसाइड नहीं कर पा रही। सोच रही गले का पहनूं कि नहीं पहनूं। नहीं ये बहुत हैवी सा लग रहा है, नहीं पहनती इसको। नहीं मम्मी पहनूं कि नहीं पहनी था फिर नहीं यार नहीं जी अंत्य सेरा टूट गया यार। ये तो ये अलग हो चुका है। अरे मैं इनको पहनती हूँ, यस ये वाले पहनूंगी मैं। समझ में नहीं आ रहा कौन से पहनूं, ये वाले पहनूं कि ये वाले पहनूं, ये कैसे लग रहे होंगे। असली ये कोमल जरा, ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं, बाकी ये वाले भी हैं। अन्यू तो फिर क्या ये देख नहीं 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 तो सिंपल
ठीक है। अगर मेन्यू कॉलम ओपन तो मेन्यू भी खोनी पेन फिर क्या, अगर मेन्यू कॉलम ओपन तो खाना ऊपरा पेन फिर ये दिखो लगो मे कॉलम। नहीं 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 ये आंदे भाई शायद तो सलवार टूटी यार। ये ब्रश तो मैं रखा नहीं है, मैंने हाथों का यूज करिए तैयार होने के लिए। हाथों से सबसे ज्यादा अच्छा होता है अंजलि जी मेरी। हाँ क्योंकि इसने ब्रश तो रखा नहीं है, वो तो खो गया। मेरी तारीफ कीजिए कुछ, मैं कैसे लग रही हूँ? नॉर्मल लग रही होंगी ना मैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज ट्राई करती हूँ तो मेरे को सामने में थोड़ा ठीक लग रही, फोन में उतना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं लग रही ना? अरे यार मतलब है भी नहीं उतनी सुंदर, पर थोड़ा ये सूरज दिखाओ फैले देते थे ना, अब भी जने दे फैले। पिंक लगो पिंक कोई सूरज जूता भी नहीं होता नहीं होता सूरज तो पापी नहीं पीने। सूरज हमारे मामा की तरह दिख रहा है, अनिल मामा की तरह देख। हीरो जान रहे और जमाने तो हो चुके हैं हम तैयार। तो ये है मेरा फाइनल लुक और मुझे लगता है लिपस्टिक गंदी लग रही है यार। के कारण रोंडे की मिटे दियो, कुछ दिन में वैसे मिट जाएगी वहां जाके। बस खाते धीरे तरह। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करेंगे, हम लोग आपसे मिलेंगे पार्टी का व्लॉग लेके। अरे दूसरा व्लॉग में कहती मुझे दिखाओ, दूसरे व्लॉग में दिखाएंगे। तो हम लोग आपके सामने आएंगे नया व्लॉग लेके अगले व्लॉग में, जहां हम पार्टी का व्लॉग बनाएंगे। तो करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म, बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।